नुकसान है। जड़ावाला मसीही बिरादरी के दो अफराद की जाती रंजिश का नतीजा है। फैसलाबाद पुलिस का बड़ा दावा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम परवेज मसीह को उमेर उर्फ राजा और अपनी बीवी के नाजायज ताल्लुकात का शुबा था। परवेज मसीह ने उमेर को कत्ल कराने की कोशिश की, नाकामी पर तौहीन कुरान की घिनौनी साजिश की गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा आईपीपीज मुआहिदों को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। बिजली बिल्स के खिलाफ आज भी कई शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में चक्री रोड पर मुजाहरा, ननकाना साहिब में ताजिर सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ नारे, घड़ी खैरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये है कि पैसा कौन खर्च कर रहा है। राणा सनाउल्ला का बयान। सिंध में अमनो अमान की बदतर सूरत हाल, अवाम का पारा हाई। अगवा की बढ़ती वारदातों से तंग कश्मीर के शहरियों का कौमी शहरा पर धरना। दो दिन से सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहरीन का मुगवियों की बाजियाबी तक एहतजाज खत्म न करने का ऐलान। उमरकोट में भी लूट मार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ एहतजाज, अमरीकन चौक पर धरना। और एशिया कप के अहम मैच में बांग्लादेश की उम्दा बैटिंग, अफगानिस्तान को जीत के लिए 335 रन का हदफ दे दिया। मेहदी हसन ने 112 रन की इनिंग्स खेली।